अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ मिसेज उस्वा शहबाज, एज यू नो आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बीच लीजर्स एसोसिएशन. फर्स्टली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर व्हिच इज मूड डिसऑर्डर. Mood disorder is basically a kind of disorder in which depression or like unipolar and bipolar depressions are included, right? So before starting the video and before starting the targeted topic, I want to tell you people one thing. बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ like मेरे comments में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं कि जी आप disorder की detail बता देती हैं लेकिन उसका solution नहीं बताती. The solution disorder का जो है वो किसी psychologist के पास होता है, ठीक है. Disorder का solution जो है वो professional के पास होता है, या आपकी कोई भी तरह की डेली लाइफ प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है उससे रिलेटेड प्रोफेशनल के पास ही होता है, ठीक है. डिटेल आपको इसलिए बताई जाती है ताकि अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में आपके खुद के साथ इस तरह का कोई इशू हो रहा है तो यू कैन कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट और अ प्रोफेशनल नियर बाई यू, राइट. सो दिस वॉज अ थिंग. ये एक बहुत दफा एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, सो उसका मुझे लगा कि आपको आंसर देना चाहिए. Secondly, today we are going to talk about mood disorders. Mood disorder, हमारे mood क्या है basically? Mood ऐसे एहसासात और हमारी ऐसी नफसियाती wishes होती हैं, like हमारी ऐसी psychological wishes होती हैं या psychological swings होते हैं जो हमारी life में या तो sadness create करते हैं या happiness create करते हैं. बहुत कॉमनली आपने सुना होगा लोगों कहते हुए कि जी मुझे मेरा मूड आज ठीक नहीं है, आई एम इन अ बैड मूड और आई एम इन अ गुड मूड, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट. सो बहुत से लोग बहुत सारे मूड्स जो हैं उनको एक्सपीरियंस करते हैं विच इज वेरी नॉर्मल, राइट. लाइक बैड मूड्स और गुड मूड्स विच इज वेरी नॉर्मल. आपका मूड किसी दिन अच्छा होता है डे के स्टार्ट में, आपका मूड किसी दिन बुरा होता है, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग विद एवरीबडी. आपके साथ भी ये चीज होती है, मेरे साथ भी होती है, राइट. अच्छा, हैप्पी मूड का रहना इज वेरी कॉमन, सैड मूड होना ये भी वेरी कॉमन है. लेकिन अगर इस मूड में लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मूड प्रसिस्टेंटली या कंसिस्टेंटली जो है सेम चल रहा है, 6 मंथ्स हो गया, 2 मंथ्स हो गया, सैडनेस चल रही है, सीवियर सैडनेस चल रही है, या एकदम से दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो सीवियर सैडनेस चल रही है और फ़ौरन से मूड चेंज हुआ और आप बहुत आपकी मोटर स्किल्स बहुत फास्ट हो जाती हैं और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, लाइक एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैप्पी, इतना हैप्पी आपके सराउंडिंग में कुछ हो भी नहीं रहा होता, बट आप उसको जो है वो उस तरह से एक्ट करने लगते हैं. वो इतना ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ होती है कि लोग उसको नोटिस करते हैं कि वाई दिस पर्सन इज लाफिंग लाइक लाउड एंड वाई द मोटर स्किल्स आर सो फास्ट और ये इस तरह लाइक व्हाई ही इज मूविंग लाइक दिस, व्हाई ही इज डूइंग लाइक दिस, यू नो. अब कुछ लोगों का मूड मुसलसल गड़बड़ रहने लगता है, जैसे मूड में खलल आना या आपकी डेली रूटीन का खराब हो जाना या नॉर्मली आपका चिड़चिड़ापन या इस तरह की चीजें जो है ये इसको हम मूड डिसऑर्डर, अगर ये इस तरह की कैफियत जो है 2 महीना रहती है या 2 महीने से ज्यादा रहती है या इस ये प्रसिस्टेंटली आपकी यही सिचुएशन रह रही है जो कि लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप एंटी सोशल होते जा रहे हैं या आप किस तरह की चीजें आप इस तरह की अबनॉर्मल चीजें कर रहे हैं. लाइक पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि जी पहले मैं बहुत अच्छा हैप्पी मूड था, बड़ा स्टेबल पर्सन था, बट नाउ आई एम नॉट अ स्टेबल पर्सन, मुझे हर वक्त गुस्सा आया रहता है, मैं हर वक्त चिड़चिड़ा रहता हूँ, इस तरह की चीजें. तो ये चीजें जो है ये मूड डिसऑर्डर में आती हैं. इस तरह की जो सिम्टम्स हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये बंदा जो है या ये पर्सन जो है या ये पेशेंट है मूड डिसऑर्डर्स का, राइट. टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर्स जो हैं वो 2 हैं. एक तो हमारा डिप्रेशन है, सेकेंडली हमारा जो लाइक बायपोलर और उससे रिलेटेड जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है, ठीक है. बायपोलर आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, विच इज वेरी कॉमन. इसके बारे में लाइक नॉर्मली हम एक वर्ड यूज करते हैं जी मुझे बड़ा डिप्रेशन हो रहा है,
डिप्रेशन की डेफिनेशन एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, थोड़ी सी मूड की खराबी को या नॉर्मल किसी बात पे अपसेट हो जाने को हम डिप्रेशन नहीं कहते, या थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट किसी चीज में होना वो आपका डेली चीज है, मूड स्विंग्स होना बहुत नॉर्मल सी बात है। मगर अगर ये बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है, अगर आप इसको काउंट कर रहे हैं और आपकी डेली बेसिस पे चीजें आपके साथ खराब हो रही हैं, आपकी डेली रूटीन जो है वो खराब हो रही है, इट मीन्स दैट यू कैन बी इन सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, राइट। अच्छा, अब मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू जो होता है डिप्रेशन का, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं वो आपको बता रही हूँ। और ये सिम्टम्स याद रहे कि 2 मंथ से लेके लाइक 2 मंथ से 6 मंथ तक अगर ये सस्टेन करते हैं, देन यू कैन बी अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। तब आप एक क्राइटेरिया में आते हैं कि आपको मे बी एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। रैपिड मूड स्विंग्स होना, फौरन से मूड बहुत अच्छा है, फौरन से खराब हो गया, एक चीज आपने खुद स्टार्ट की और फौरन से उससे दिल आपका उठ गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटी होना, फिर स्लीपलेसनेस इज द वेरी फर्स्ट सिम्टम ऑफ दिस, लैक ऑफ एपिटाइट या इंटेंस लाइक बहुत ज्यादा खाना, इस तरह के इश्यूज होना, गनूदगी की कैफियत रहती है इस तरह के लोगों को, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्सुअल डिजायर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम कॉमनली लो लिबिडो बोलते हैं, ठीक है। डिप्रेशन का जो पेशेंट है वो नॉर्मली आपको इल्जाम तराशी करता हुआ या चिड़चिड़ापन उसमें बहुत सारा दिखेगा, दिन का शुरू ये लोग नहीं कर सकते बहुत अच्छे से, मतलब उठेंगे ही नहीं, बेड से ही नहीं उठेंगे, अंधेरा करके लेटे रहेंगे आधे आधे दिन तक, या किसी भी अगर इनको कोई रिवॉर्ड भी मिलता है, कोई नाम भी मिलता है, कोई पोजीशन भी आती है, कोई इस तरह का टैग भी मिलता है ऑफिशियली या यूनिवर्सिटी में बच्चे को या स्टूडेंट को किसी भी एज के बंदे को, तो इनके अंदर हैप्पीनेस की वो फीलिंग नहीं आती है, एक्साइटमेंट की वो फीलिंग वो उसको क्रिएट नहीं कर पाते हैं या उसको उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते। आपका एक बहुत रोबोटिक सा फेस का एक्सप्रेशन हो जाता है डिप्रेशन में, जो कि किसी भी तरह के इमोशनल स्विंग्स आते रहें आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इंटरनली आपको कोई हैप्पीनेस या कोई ऐसी किक फील ही नहीं होती है जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकें। खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाते, दुख को सेलिब्रेट उस मतलब दुख को उस तरह से जो है वो नहीं उनको समझ में आता कि इस पर कैसे हम रिएक्ट करें। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि दिन का शुरू इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इस तरह के पेशेंट जो हैं नॉर्मली आपको अंधेरे में सोए हुए मिलेंगे, या सुसाइडल इनको ख्यालात बहुत सारे आते हैं इस तरह के। सो ये एक कॉमन सिम्टम्स हैं, अगर ये 2 मंथ से लेके 6 मंथ तक रहते हैं, इट मीन्स यू कुड बी इन डिप्रेशन, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल इसके आगे 2 स्टेप्स और होते हैं, लाइक कुछ लोगों का तो मूड ये नॉर्मली ऐसे रहता है, कुछ लोगों का मूड सीजन्स मौसम के साथ साथ वेदर के साथ साथ जो है वो बदलता रहता है, ठीक है। वेदर के साथ बदलने का मतलब है कुछ लोगों का मूड, जो डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं कॉमनली गर्मी में अगर फॉर एग्जांपल उनका मूड बहुत बुरा है तो सर्दियों में अच्छा होगा, सर्दियों में अगर बहुत बुरा है तो गर्मियों में उनका मूड ठीक होगा, तो इसको हम कहते हैं सीजनल स्टेज ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद एक और तरह का डिप्रेशन आता है जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, राइट। पोस्टपार्टम का मतलब ये है कि जो लेडीज या जो बच्चियां या जो खवातीन जो हैं फर्स्ट टाइम मदर बनती हैं या माँ बनती हैं और उनके अंदर इस तरह की चीजें आ सकती हैं आफ्टर डिलीवरिंग और बिफोर डिलीवरिंग द बेबी, उनके अंदर इस तरह के मूड स्विंग्स हो जाना या प्रसिस्टेंट सैडनेस होना या बहुत ज्यादा अब्रप्ट चेंजेस ऑफ मूड होना, बहुत डिप्रेशन में आ जाना या बहुत ज्यादा अजीब तरह से बिहेव करना, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। उनकी फैमिलीज को नॉर्मली कंप्लेन करती है कि जी बच्चा होने से पहले ये इस तरह की नहीं थी लेकिन अब इसकी समझ में बात नहीं आती है, ये बहुत गुस्सा करती है या ये बहुत इस तरह की चीजें करती है, खुद कलामी करना या फिर अकेले रहना या फिर चिड़चिड़ा रहना या डेली रूटीन में जो है वो एक्ट उस तरह से नहीं करना जिस तरह से नॉर्मली करना चाहिए। सो ये डिप्रेशन था, लाइक मूड डिसऑर्डर का फर्स्ट पार्ट था। इन सेकेंड वीडियो और सेकेंड पार्ट आई विल टेल यू अबाउट बाइपोलर और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये सब मूड डिसऑर्डर्स में आते हैं और ये एक बहुत लंबा, बहुत लेंथी और बहुत डिटेल टॉपिक है जिसको हम बहुत सारी वीडियोज में मैं आपको ट्राई करूंगी कि कवर अप करूँ।
अगेन मैंने आपको सिर्फ डिसऑर्डर की इन्फॉर्मेशन दी है. अगर आपके साथ इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो डू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर साइकोलॉजिस्ट, डू फॉलो द साइकियाट्रिस्ट, और उनको फाइंड आउट कीजिए एंड अपने आप को मॉनिटर कराइए कि ये चीज़ हो रही है मेरे साथ, तो ये क्या ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, एम आई सफरिंग फ्रॉम सम मूड डिसऑर्डर और समथिंग लाइक दैट. बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है फाइंड आउट करना, खुद से आप अपने आप को ट्रीट नहीं कर सकते. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड आई नीड योर कॉमेंट्स एंड आई नीड द फीडबैक ऑफकोर्स फॉर दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ मूड डिसऑर्डर. थैंक यू वेरी मच.